नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं विकास SF एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे 23 स्पेशल ट्रेनों के बारे में, जिसमें आप अनारक्षित टिकट के साथ सफ़र कर सकते हैं, यानी कि जनरल टिकट के साथ सफ़र कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ट्रेन है और कहाँ से कहाँ तक चलती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी ट्रेनों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेन के रिलेटिव आगे भी मिलता रहे। ISTC ट्रेन टिकट बुकिंग रिलेटिव हर तरह की इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल पर देते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि लोकल यात्रियों के मंडल मंडल द्वारा विशेष सुविधा की घोषणा। मंडल के विभिन्न प्रखंडों पर चल रही मेमू डेमू लोकल पैसेंजर गाड़ियों का परिचालन 4 मार्च 2021 से अनारक्षित रूप में किया जाएगा, यानी कि आज से अनारक्षित रूप से चलेगी। अब इन गाड़ियों की टिकट खिड़की से टिकट लेकर यात्रा की जा सकेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी गाड़ी हैं जो 23 में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो सभी का हम गाड़ी नंबर आपको बता दे रहे हैं और कहाँ से कहाँ तक चलती है उसके बारे में जानकारी मैं दे दे रहा हूँ। पहली है गाड़ी संख्या 093-81 दाहोद से रतलाम तक। अगली है गाड़ी संख्या 093-82 रतलाम से दाहोद तक। ठीक है, अगली है गाड़ी संख्या 093-83 रतलाम से नागदा। अगली है गाड़ी संख्या 093-85 नागदा से उज्जैन। गाड़ी संख्या 093-86 उज्जैन से नागदा। इसी तरीके से काफ़ी गाड़ियां हैं, तो सभी गाड़ियों को मैं आपको रतलाम डॉक्टर अम्बेडकर नगर से रतलाम, रतलाम से डॉक्टर अम्बेडकर नगर, इसी तरह से काफ़ी 23 गाड़ियां हैं। ठीक है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो को डिस्कशन में दे दूंगा। यहाँ पे आप क्लिक करके आप सभी ट्रेनों के बारे में आप जान पाएंगे। ये सभी ट्रेनों में आप काउंटर से जनरल टिकट लेकर के आप सफ़र कर सकते हैं। अनरिजर्वेड यानी कि अनारक्षित टिकट के द्वारा अब इस सभी में सफ़र किया जा सकता है। आज से ट्रेनों में सफ़र आप कर सकते हैं। हालांकि सभी ट्रेनों में फ़िलहाल अभी नहीं है, लेकिन काफ़ी ट्रेनों में आज से शुरुआत कर दी गई है, अनारक्षित टिकट के द्वारा सफ़र कर सकते हैं। और इससे पहले भी कुछ ट्रेनों जगह जगह पे स्टार्ट किया गया था, जिसमें अनारक्षित टिकट अलाउड था। और भी मतलब कि आज 4 तारीख से काफ़ी ट्रेनें हैं स्टार्ट, काफ़ी ट्रेनों में अनारक्षित टिकट से सफ़र करने का अलाउडेड किया गया है। तो इस सभी ट्रेनों का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख पाएंगे। और कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिए, ताकि हम आपको जवाब दे सकेंगे। मिलेंगे नए जानकारी के साथ।